अस्सलाम वालेकुम आज खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में आप बताएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आप एट अ टाइम कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही थी डिफरेंट स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने जो है मैसेजेस किए, तो उनके जवाब में ये वीडियो आज बनाई जा रही है। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है जी यहाँ अपने क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे आपने टाइप करना है जी admissions.pu.edu.pk/admission/। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे उसके बाद आपने क्लिक कर देना जी ओके आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शन। ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, आपने जाना है यहाँ एडिट व्यू एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे आपने NIC जो है वो एंटर कर देना, प्रोसीड पे क्लिक करना है और ये आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने स्क्रोल करके जो है वो पेज पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे ये रेड कलर में जो भी चीज लिखी होती है ना उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू अपीयर इन एटलीस्ट, ये कोई वन सब्जेक्ट वाली वन कैटेगरी वाली लिखी हुई है कि टेस्ट में अपीयर होना जरूरी है। उसके बाद आपने डिग्री लेवल यहाँ से ग्रेजुएट BS के लिए सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे आ जाएंगे जी डिपार्टमेंट्स, ये तमाम डिपार्टमेंट्स के नाम यहाँ दिए हुए, यहाँ डिग्री के नाम नहीं दिए हुए, ये याद रखिएगा ये डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्टडीज, इसी तरह से ये तमाम। अब ये है जी हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स कायदे आजम कैंपस, और एक है हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस अलामा इकबाल कैंपस। ये दो कैंपस क्यों है जी, एक ही डिपार्टमेंट के जो कायदे आजम कैंपस है ये वाहदत रोड के नजदीक है, भेकेवाल जो मोड़ है उसके नजदीक है, और जो अलामा इकबाल कैंपस है हेले कॉलेज का ये अनारकली बाजार लाहौर का जो है ये वहां पे है। इनमें कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है, बाकी फैकल्टी दोनों की अच्छी है। इसी तरह से ये गुजरांवाला कैंपस भी है, जेहलम कैंपस भी है, पोठोहार कैंपस भी है, ये फिर लाहौर से बाहर के जो है वो आ जाते हैं। उसके अलावा ये तमाम डिपार्टमेंट्स, इसमें से आपने जिस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे आजकल बड़ा दौर है जी IT का, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा साइंसेस। ठीक है जी, डेटा साइंसेस का बड़ा दौर आने वाला है आगे, बहुत से लोग डेटा साइंसेस में, बहुत से साइबर सिक्योरिटी में, बहुत से लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं। IT का इस दफा मेरिट जो है वो बड़ा हाई जा रहा है, तो यहाँ से हम देखते हैं पहले साइबर सिक्योरिटी अगर है इसमें तो हम उसको कर देंगे, अदरवाइज चले आप डाटा साइंसेज में ही कर लेते हैं। न्यू कैंपस कायदे आजम कैंपस, यानी ये भेकेवाल मोड़ के पास जो है शेख जैद के पास, वहां पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। जब हमने डिपार्टमेंट ओपन किया तो ये नीचे ऑफर्ड प्रोग्राम में आ जाते हैं जी BS डाटा साइंसेज फर्स्ट सेमेस्टर कायदे आजम कैंपस, और दूसरा है BS डाटा साइंसेज फर्स्ट सेमेस्टर सेल्फ सपोर्टिंग। इनमें क्या डिफरेंस होता है जी, ये मॉर्निंग वाले में फीस जरा कम होती है, तकरीबन लेस देन 50,000 होती है, 40,000 होती है, इस तरह से इसी रेंज में, और जो सेल्फ सपोर्ट वाला है ये तकरीबन जो है इसकी फीस काफी ज्यादा होती है। इसको मॉर्निंग वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें देखें जी नीचे उसने डिफरेंट तरह की ऑप्शंस दे दी हैं, एलिजिबिलिटी लिख दी है, राइट। ये चीज पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए तो फिर आपका चालान तो जनरेट हो जाएगा, वो तो आपको नहीं रोकेगा, लेकिन आपकी फीस जो है वो जाया हो जाएगी, राइट। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्या जी, इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी ICS किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, FSC प्री इंजीनियरिंग की हो विद 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स या फिजिक्स का कम्बिनेशन हो, मैथ या कंप्यूटर का कम्बिनेशन हो, मैथ और स्टैटिस्टिक्स का, FSC प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ विद एटलीस्ट 50% ऑब्टेन मार्क्स। यानी अब आपके सामने ये देखें जो प्री मेडिकल वाले हैं वो इसमें सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका एडिशनल मैथ का जो पेपर है वो उन्होंने पास किया हुआ हो विद 50% ऑब्टेन मार्क्स, राइट। तो जिन्होंने जो है वो पास किया हुआ होगा विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो वो लोग डाटा साइंस में अप्लाई करें, अदरवाइज उसमें अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। मैथ स्टूडेंट का ओपन किया हुआ, इसने एडिशनल मैथ पास नहीं किया हुआ, इसलिए अगर मैं इसमें अप्लाई कर भी दूं
तो मेरी सिर्फ जो है वो इसमें फीस जाया जाएगी, और क्योंकि उसमें नाम ही नहीं आना, क्योंकि इसमें जो है रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस न्यू कैंपस, कायदे आजम कैंपस को हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्या है जी, BS कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग। इसमें हम देखते हैं जी प्री मेडिकल वालों के लिए क्या ऑप्शन है, प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स एडिशनल मैथ एटलीस्ट 50% मार्क्स की जो है वो इन्होंने जो है वो शर्त रखी हुई है। तो जाहिर है इसमें भी अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम जो है वो फिजिक्स ओपन करते हैं। इसमें केमिस्ट्री, यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मैं अप्लाई कर चुकी हूँ किस किस के लिए, केमिस्ट्री के लिए और ई कॉमर्स के लिए। ये फिजिक्स आ गया जी, इसमें हम BS फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग सेल सपोर्ट, BS फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर। अच्छा, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में करना है, इसको क्लिक किया। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एज यू हैव नॉट बीन अपेयर्ड इन एनी ऑफ द बिलो रिक्वायर्ड PU एडमिशन टेस्ट। यानी फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए आपको PUE का टेस्ट देना पड़ना था, PUCSP का और PUCSS का। तो प्री मेडिकल वालों ने चूंकि PUM का दिया था, इसलिए आप फिजिक्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से आपने जहां जहां अप्लाई करना है वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, कुछ में रेस्ट्रिक्ट कर देगा। जहां तक बात होगी इनके टेस्ट की टाइप की, और अगर आपने अगर टेस्ट की टाइप एक्यूरेट है तो फिर आपको जो है वो वहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट बता देगा। अगर आप उस पर पूरे उतरते हैं तो आप अप्लाई कर ले, नहीं उतरते तो फिर ना करें। राइट, बॉटनी में क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये प्री मेडिकल का ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे आया BS फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग। राइट, अब देखिये यहाँ उसने हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, क्योंकि ये उन रिक्वायरमेंट्स पे ये स्टूडेंट पूरा उतरता है। BS बॉटनी है। राइट, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसमें यहाँ पे आपने ओपन मेरिट पे क्लिक करना है। हाँ, अगर आपका कोई और ऑप्शन बनता है, ये रिजर्व कोटा की कैटेगरीज दी हुई है कि अगर आपका जो पेरेंट्स में से कोई PU का टीचर है, PU एम्प्लॉय है, डिसेबल है, कोई स्टूडेंट आर्मी नॉमिनेटेड है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, को करिकुलर एक्टिविटीज में आप हिस्सा लेते हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे, या आप स्पोर्ट्स वुमेन है, पुलिस में आप काम करते हैं, एक्स फाटा रिजर्व सीट्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज में से हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इनकी कोई भी कैटेगरी है तो आप इनमें से उसको क्लिक कर लें। क्लिक कैसे करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे और अनचेक कर देंगे दोबारा उसको खत्म करने के लिए। उसके बाद अगर इनमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो ऑब्वियसली आपने ओपन मेरिट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका टिक होना चाहिए। उसके बाद नीचे आके आपने चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू करना है और जनरेट चालान या सबमिट एप्लीकेशन की बटन प्रेस कर देना है। राइट, तो ये जैसे ही हमने प्रेस किया प्रोसेसिंग हुई, और ये देखें जी एक और हमारी यहाँ एप्लीकेशन आ गई BS बॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग की। ठीक है जी, अब ये तीन में जो है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपने ये प्रिंट चालान कर लेना है। प्रिंट चालान को क्लिक करेंगे तो ये एक PDF खोल देगा आपको, ये 500 रुपीज की, ये देखें जी 500 रुपीज का चालान फॉर्म, ये 500 रुपीज का जो है वो फी चालान आपको खोल देगा PDF में। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें, इसको क्लिक करके, और इसको बैंक में जो है वो जमा करा दें। बैंक में जमा कराने के लिए भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई होगी एडमिशन पोर्टल। राइट, यानी आपने फीस जमा करा के एडमिशन पोर्टल के ऊपर दोबारा आके इसको आपने अपलोड भी करना है, जो इसकी रसीद होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर करें, अपने लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है इसको जो है वो तमाम लोगों को पता, ताकि तमाम लोगों को पता चल सके। आप इसको ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं HPL की ऐप से, कनेक्ट से और वन बिल की सर्विस से। राइट, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से उन्हें अप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।